न्यासा अजय देवगन की बेटी बहुत ही जल्द करण वाली है बॉलीवुड दे विच डेब्यू। ते आर माधव ने रॉकेटरी बनाते हुए खोया अपना घर। खैर आर माधवन की गल तो असं बाद करा, फिलहाल असं गल करते हैं न्यासा की। जी हाँ, अजय देवगन की बेटी जिसे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने जी गल कि वो बॉलीवुड के डेब्यू करन वाले है, ये काफ़ी देर तो ये गल मतलब आ रही है, काफ़ी देर तो ये गल दियाँ चर्चा हो रही हैं कि किस मूवी आएंगे ते केड़ी फिल्म चो डेब्यू करेंगे, कौन डायरेक्टर होएगा, केड़ी फिल्म होएगी, मतलब ये तो हुण फिर जानना ज़्यादा जरूरी होंगे ना, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा तो है नहीं, वो है अजय देवगन की कुड़ी, तो ये जानना बड़ा जरूरी होंगे। मतलब फैंस भी बड़े एक्साइटेड होंगे कि जानने कि केड़ी फिल्म है, केड़ी फिल्म है, केदे नाल है। हाँ भाई, हुण सारियां गल्लां तुसी जानना तो जरूर चाहोगे, लेकिन एदियां गल्लां जिहड़ियां तुसी जानना चाहते हो ना कि डेब्यू कदों होएगा ते केड़ी फिल्म होएगी, फिलहाल ये उत्ते थोड़ी रोक लगा दी जाए ताडे वल्लों, मतलब फैंस वल्लों, मतलब जिहड़ी कि जानना चाहते हैं कि अजय देवगन की बेटी कदों डेब्यू करेगी। फिलहाल मैं तुहानूं दस दवां कि अजय देवगन ने एक इंटरव्यू दौरान ये बोल ही दिता कि हजे कोई प्लैन नहीं है, मतलब उन्होंने कहा न्यासा का हजे कोई भी प्लैन नहीं है बॉलीवुड के डेब्यू करन दा। फिलहाल तो उन्होंने ये भी दसिया कि हजे न्यासा का ये भी कोई प्लैन नहीं है कि वह करियर च करना की चाहती है, वह भी उन्होंने हजे तक डिसाइड नहीं किया। कई बार होंगे ना कि असी सोच ही लेंगे भाई एक्टर का बच्चा तो एक्टर ही बनूगा, पर यह जरूरी तो नहीं होंगे ना, कई बार एक्टर का बच्चा कुछ होर भी तो बनना चाहूगा, हूँ जरूरी थोड़ी ना हूँ अगली अगर बनना चाहे कि मैं डायरेक्टर बन जा या फिर बनना चाहे मैं इंजीनियर बन जा, मतलब कुछ भी बन सकती है ना, जरूरी थोड़ा ना हीरोइन ही बनेगी, पर नहीं हर एक दे दिमाग से यही होंगे कि नहीं बनेगी तो हीरोइन ही बनूगी। खैर वो आने वाले टाइम से ही पता लगेगा जी वो हीरोइन बनेंगे या फिर कोई होर करियर नू चूज करेंगे। फिलहाल उन्होंने फादर ने यह कहता कि हजे तक इदा का कोई भी प्लैन नहीं हो, हजे कोई भी डेब्यू नहीं करन वाले, क्योंकि हजे तक उन्होंने स्टडी कंप्लीट नहीं हुई, जदों उन्होंने स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, अगर उन्होंने सोचा मतलब ने सोचा कि वो बॉलीवुड के काम करना चाहते हैं तो एज अ पेरेंट्स वो उन्होंने नाल खड़े रहेंगे तो उन्होंने इस डिसीजन नू भी मनणगे। जी ये सी न्यासा की गल, तो अगे असी वधदे आ आर माधवन ते। जी हाल ही दे विच बहुत ज़्यादा ये चर्चा हो रही है, मतलब इंस्टाग्राम हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, ये एक ही ट्वीट हो रहा है कि आर माधवन ने रॉकेटरी बनाते हुए अपना घर जिहड़ा सी वो गवा लिया, मतलब घर गिड़वी रखा होना या फिर घर किसी को देता होना, भाई तुम ये सारे सोच सकते हो कि इदा होया होना, क्या जो तक मैनू लगता है इदा की कोई गल हो ही नहीं होनी। और आर माधवन ने भी ये गल दी मतलब अगे आए थे, उन्होंने दसिया कि आखिर सच्चाई की है। गल ये हुई कि ट्विटर पर एक ट्वीट आया जिसे उत्ते लिखा हुआ सी कि आर माधवन ने रॉकेटरी बनाते हुए अपना घर गवा लिया, उन्होंने फंड्स इकट्ठा करने वास्ते अपने घर में भी खो दिता, तो रॉकेटरी के विच उन्होंने डायरेक्ट भी खुद किया, प्रोड्यूस भी खुद किया, तो स्टोरी भी खुद ही लिखी है, इसी चक्कर के विच वो अपना घर गवा बैठे है। ये देख के ते ये सुन के जो आर माधवन ने ये ट्वीट देखा तो वो अपने आप ही सामने आए, मतलब आना ही पैना से जो एड्डी वड्डी गल सामने आ गई, जी वो सामने आके उन्होंने ये दसिया, मतलब उन्होंने भी ट्वीट ही किया कि रिलैक्स गाई, इदा का कोई गल नहीं हैगी, मैं अपने घर में बहुत खुश हाँ, अपने घर के हंसता खेड़ा वा। तो उन्होंने ये भी गल दसी है कि मैं कुछ भी नहीं गवाया रॉकेटरी बनाते हुए, असी कुछ नहीं गवाया, ये फिल्म चाहे ब्लॉकबस्टर नहीं रही लेकिन कुछ हद तक ये फिल्म हिट हुई है, तो असी अच्छा खासा पैसा भी इस फिल्म तो कमाया है और बहुत प्राउडली कमाया, उन्होंने ये गल नू क्लीयर कर दिता है। तो जिहड़े लोग ये सोच रहे थे कि आ कि रॉकेटरी बनाते हुए उन्होंने अपना घर गवा लिया, जी इदा की कोई गल नहीं, और अपने उन्होंने घर घर है, उन्होंने घर सारा कुछ है, जो उन्होंने कमाया वो उन्होंने को हजे तक है गावा, और रब दी दिया ना होवे इदा ही रवे और फलदा रवे जो भी है कुछ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਕੇਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੂਮਰਸ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੈਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਝੂਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।